वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ कोरोना वबा में मुबतला थी वे वफाकी वजीर मरियम औरंगजेब जो चवण है त वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ जी कोरोना टेस्ट पॉजिटिव अची वही है। वज़ीर आज़म के बिन्हीं का तबियत खराब हुई, डॉक्टर के मशवरे से टेस्ट कराई जेका पॉजिटिव आई। वफाकी वजीर पारा अवाम ए कारकुनन के वज़ीर आज़म की सेहतयाबी लाए दुआ जी अपील। सुप्रीम कोर्ट तोहीन इलेक्शन कमीशन केस में इमरान खान ए बेन अगवाणन खिलाफ नोटिस जारी कर छिया। चीफ जस्टिस उमर अता बिंदियाल की सरबराही में टे रुकनी बेंच इलेक्शन कमीशन केस से बुधनी हलई। अदालत चो तो इलेक्शन कमीशन मुख्तलिफ हाई कोर्ट्स में देर जो शिकार केस के एक हाई कोर्ट ना मुंतकिल कर दरख्वास्त कही है। इलेक्शन कमीशन जो मौकफ है तो हू आम ए मकानी चूंड की तैयारी कन या केस बढ़न। अदालत इमरान खान फवाद चौधरी ए बिन खिलाफ नोटिस जारी कंदे बुधनी 15 दिन लाए मुलतवी करे छी। इमरान खान साहब के हकीकी लॉन्ग मार्च का हम कमेटी चौक में इस्तकबाल करेंगे। और जुमे के दिन 18 नवंबर को 2 बजे इंतजामात को आखिरी शक्ल देने के लिए मैंने हंगामी तौर पर तमाम फोकल पर्सन्स की मीटिंग बुलाई है और हम लाल हवेली को ही लॉन्ग हकीकी लॉन्ग मार्च का एक हंगामी कैंप ऑफिस बनाएंगे। आप तमाम अहलियाने रावलपिंडी से कमेटी चौक में या जहां वो मुनासिब समझें शिरकत की अपील की जाती है ताकि हकीकी आज़ादी मार्च अल्लाह सुबहान ताला की मदद से कामयाबी से हमकिनार हो और कौम को इस तराब और अनारकी से निजात मिल सके। अगुणे घर वजीर शेख रशीद तरफा अवाम के पीटीआई जो लॉन्ग मार्च में शिरकत करने की अपील। शेख रशीद समाजी राबतन वाली वेबसाइट पर वीडियो बयान जारी कंदे चयो त इमरान खान जेका भी तारीख दिनी हकीकी लॉन्ग मार्च जो कमेटी चौक से वालहानो इस्तकबाल कंदासी। जुमे ढी लॉन्ग मार्च इंतजाम के हतमी शक्ल दिनी वेंदी। अवाम भरपूर शिरकत करे तो जी मुल्क में जारी अनारकी में छुटकारो माण। पंजाब असेंबली जो ऑपोजिशन लीडर हमजा शहबाज जो चवण है तो वक्त इमरान खान के पा वायखो कर रो है। ईंदड़ दिन में इमरान खान अन्या भी वधिक वायखो थींदो। लाहौर की एहतसाब अदालत बाहरा मीडिया से गलाइंदे हमजा शहबाज चयो त इमरान खान साइफर मामले ते यूटर्न वरतो, छा इहा सियासत आहे? इमरान खान जाती मफादन लाए मुल्क जो तमाशो लगायो। इमरान खान अज डी ताई फॉरेन फंडिंग के सूदो तोशाखाना रेफरेंस में जवाब न दई सको आहे। ये शयूं लिखल नाहन, इमरान खान के हाने जवाब दियणो ही पवंदो। बरे वजीर तालीम खाते सिंध में 4,759 उस्तादन ए ऑफिसर्स की भर्तन की मंजूरी दई छी। नयू भर्तियों सिंध पब्लिक सर्विस कमीशन जरिए थन्दू। सेक्रेटरी तालीम नयन भर्तियों के हवाले से पब्लिक सर्विस कमीशन ला सिफारिश माने छी। नयन भर्तियों में 17 ग्रेड के सब्जेक्ट स्पेशलिस्ट लाए 1,564 भर्तियों कई वेंदू। 16 ग्रेड में हाई स्कूल टीचर्स लाए 2,315 पोस्टू खाली। 300 हेडमास्टर ए 17 ग्रेड जहा 580 ताल के एजुकेशन ऑफिसर्स ए असिस्टेंट पिण भर्ती कया वा। सिंध हाई कोर्ट में पीपीएमए ने शाजिया मरी की जाली डिग्री बाबत दाखिल दरख्वास्त से बुधनी। शाजिया मरी के वकील तरफा इलेक्शन ट्रिब्यूनल वारो फैसलो अदालत में पेश। वकील अदालत के बुधायो त शाजिया मरी की डिग्री खिलाफ इल्ज़ाम कूड़ा हैं, दरख्वास्त खारिज कई वने। अदालत दरख्वास्त गुजार के इलेक्शन ट्रिब्यूनल वे फैसले की कॉपी पेश करण की हिदायत कंदे बुधनी अण्यातल मुद्दे तई मुलतवी।